बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आपने बस वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना है। नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज मैं बना रही हूँ बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के, एक अलग किस्म के पकौड़े, बहुत ही क्रिस्पी प्याज के पकौड़े, जिसमें आप एक सीक्रेट चीज़ भी देखेंगे उसको क्रिस्पी करने के लिए। तो आपने बस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी आपने। तो रमज़ान में अफ्तारी में आप ये बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी वाह हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज ली है और प्याज को मैंने इस तरह बारीक काट लिया है, और इसको जब हम मसलेंगे तो इसको अलग अलग होना चाहिए, ये देखें इस तरह, ठीक है। और बारीक काटना है, देखें आप, देखें प्याज कितनी बारीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है। इस तरह आपने प्याज काटनी है। अच्छा, हरा धनिया लिया है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, और पुदीना लिया है ये भी 2 टेबलस्पून है, और हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 4 से 5 बारीक काट ली हैं। अच्छा, इसमें मैं मिलाऊंगी 1 कप बेसन, ठीक है। और याद रखिए बेसन बहुत ज़्यादा नहीं आप डालें, प्याज या सब्जियाँ जो हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि क्रिस्पी पन आए। अब मैं मसाले आपको बताती हूँ। नमक हसबे ज़रूरत मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच भर के, नमक 1 चाय का चम्मच मैंने भर के लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 खाने का चम्मच भर के, इसमें ये बहुत अच्छी लगती है। धनिया पाउडर कुटा हुआ है, धनिया कुटा हुआ है, पाउडर नहीं है, 1 खाने का चम्मच भर के लिया है। आप पिसा हुआ ना डालें, कुटा हुआ ही डालें। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है 1/2 चाय का चम्मच, और अजवाइन ली है मैंने 1/2 चाय के चम्मच से कम। तो ये तमाम चीज़ें भी इसमें शामिल कर देते हैं। तमाम मसाले मिलाने के बाद अब हम एक सीक्रेट चीज़ इसमें डालेंगे जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे, तो वो है आटा। तो आटा है तकरीबन 3 खाने के चम्मच आटा मैं डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। आटा डालने के बाद हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और अभी पानी शामिल नहीं करेंगे। अच्छा जी, लाइट चली गई थी तो मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून पानी मैंने डालकर इसको मैंने पकौड़ों की शक्ल दे ली है, यानी अमीजे की शक्ल दे ली है। यहाँ पर मैंने घी रखा हुआ है गर्म होने के लिए, और ये पकौड़ों वाला घी है, इसमें मैं पकौड़े फ्राई करती हूँ। ये मैंने कढ़ाई जो है वो ऐसी रखी हुई है, तो इसमें इसके ज़रात होंगे। तो घी जो है हमारा फुल गर्म हो चुका है, तो लाइट का इशू चल रहा है जी, लाइट चली जा रही है, बार बार लाइट चली जाती है, तो इसलिए थोड़ा मसला हो रहा है मुझे वीडियो बनाने में। तो बहरहाल पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ढीले ढीले पकोड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, इस तरह बबल्स आने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत जोर जोर के हम पकौड़े नहीं बनाएंगे, यानी कि ढीला हाथ रख कर उठाएँगे पकौड़े, और ढीला हाथ रख के ही डाल देंगे, ये देखें इस तरीके से। और फ्लेम जो है ना हमारा मीडियम से हाई होगा, थोड़ा सा मीडियम हाई तो नहीं होगा लेकिन मीडियम से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने पहले ऑयल को फुल गर्म कर लिया है, इसलिए हमने मीडियम के करीब कर दिया। अगर हम आप लो रखेंगे तो फिर पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं होंगे, क्योंकि ऑयल ज़्यादा पिएंगे, तेल ज़्यादा पिएंगे, तो वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे, बल्कि एक नरम नरम से पकोड़े बनेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए आपने हीट का और तेल का जो है ना वो ख्याल रखना है, ठीक है। तो जितने पकौड़े मैं इसमें डाल सकती थी मैंने डाल दिए हैं, और तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद मैं इसको छेड़ूंगी, जबकि पकौड़े खुद ही ऊपर आना शुरू हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसको अब पलट दें। ये देखें पकौड़े ऊपर आ गए हैं, और हम इसको पलट देंगे और एक प्यारा सा कलर ले आएंगे इस पर जो हमें चाहिए होगा। आतिफ चीज़ें रखना शुरू कर। तो जी तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं पकोड़ों को तैयार होने में, तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े जो है ना हमारे तैयार हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। ये देखें कि कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। इसी तरीके से मैं तमाम जो है वो तैयार कर लेती हूँ। हमारे इतने क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और एंड तक वीडियो को देखने का शुक्रिया। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।